स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस टू टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे पैनासोनिक फुल फ्रेम कैमरास के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पैनासोनिक मिररलेस पहले से बना रहा है। पैनासोनिक ने GH5 से निकाला जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और माइक्रो फोर थर्ड सिस्टम में पैनासोनिक से आगे कोई नहीं है। पैनासोनिक और ओलंपस सिर्फ दो ही कंपटीटर हैं जो माइक्रो फोर थर्ड में हैं, और फूजी और सोनी APS-C में लड़ रहे हैं लेकिन माइक्रो फोर थर्ड नहीं छू रहे। तो माइक्रो फोर थर्ड में पैनासोनिक का काफ़ी ठोस जमाव है। तो माइक्रो फोर थर्ड से आगे बढ़ने के लिए ये लोग APS-C में नहीं जा रहे हैं, सीधे कूद रहे हैं फुल फ्रेम में। तो ठीक है, फुल फ्रेम में कूद गए। अब ये लोग दो बॉडी डालेंगे, मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि ये सीधा सीधा नाइकॉन जैसा ही है, जिसमें एक कैमरा बनाया जा रहा है जो सस्ता है, जो सब लोग खरीद पाएंगे, दूसरा है जिनको ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए वो खरीद पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो कैमरा रिलीज़ किया गया। पहला कैमरा है 24 मेगापिक्सल, दूसरा है 47 मेगापिक्सल। ये एकदम डिक्टो आप समझिए सोनी के टाइप का है, नाइकॉन टाइप है, जो मतलब ये लोग एक सस्ता निकालते हैं और एक हाई मेगापिक्सल निकालते हैं, एग्जैक्ट वही है। और आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ये प्रीव्यू इवेंट था जो फोटोकीना में हुआ। यहाँ पे ये लोग कुछ रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ये कैमरा रेडी नहीं है, मतलब ये कैमरा अभी बहुत चेंजेस से जाएगा, और अब इसका एक भी लाइव डेमो नहीं दिया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं किसी ने चालू करके नहीं देखा है, मतलब लेकिन ये रेडी नहीं है। मतलब ये इंजीनियर लोग जो कुछ पीसेस बनाते हैं, ये वो पीसेस में से लाया गया था, इसीलिए बहुत में तो बैटरी भी नहीं लगाई गई थी। तो आप ये समझिए कि ये रेडी नहीं है अभी, ये बस एक प्रीव्यू है। ये पैनासोनिक दुनिया को बताना चाहता था हम फुल फ्रेम में कूद रहे हैं, मतलब एक आप अपना पैसा रोकिए, अब थोड़ा ब्रेक लगाइए, आप कैनन और नाइकॉन में नहीं कूदिए, हम आ रहे हैं, हम फुल फ्रेम लेके आ रहे हैं। ये उस टाइप का था, ये मतलब एक अनाउंसमेंट था कि लोग को एटलीस्ट 6 से 7 महीने रोक दो और ये कैमरा निकालेंगे। इसके बाद कैमरा मतलब समझिए डिज़ाइन हो चुका है, कमची हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मान ली कोई बहुत बड़ा फीडबैक आया, जैसे कि सबसे लोग चिल्ला रहे हैं इस बात पे कि ये फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है, जो कि पैनासोनिक का एक सिग्नेचर पॉइंट था कि पैनासोनिक हमेशा फ्लिप आउट स्क्रीन देता है। तो एक एम्बेसडर कहें, वीडियो लिंक में दिया हुआ है कि शायद डाल दें, श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, 99% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन शायद चेंज कर दें क्योंकि ये प्रीव्यू है, गारंटीड नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहे कि यही बॉडी हम लॉन्च करें, एकदम साफ साफ हर डिटेल को ये लोग एकदम वेग रखें कि हम लोग कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं, ये टारगेट है। तो सब मिला के आप ये बात ध्यान रखिए, पैनासोनिक का फुल फ्रेम में उतर रहा है, दो बॉडी उतार रहा है, और अभी सिर्फ प्रीव्यू दिया गया है। मतलब इसका टेस्ट देखना, रिव्यू देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं से आपको रिव्यू मिल भी जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि ट्रांसलेट होगा जब आप एक्चुअल खरीदेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ बदल सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ भी हो, सबसे बड़ा झंझट कोई भी नया इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे में आता है कि लेंस कहाँ है। तो जैसे कि माइक्रो फोर थर्ड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके लेंस अब आने लगे, मतलब माइक्रो फोर थर्ड 10 साल से चल रहा है, लेकिन उसके लेंस जमीन फाड़ने लायक महंगा है, बहुत महंगा लेंस है। मतलब एक फुल फ्रेम लेंस आपको सस्ता मिल जाएगा सेम कंपनी का, मतलब मैं सिग्मा का बात करूँ तो दोनों आप सिग्मा का ही लीजिए, एक बहुत महंगा पड़ता है। APS-C जो है वो लेंस सस्ते आने लगे, जैसे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ सस्ता लेंस 17-55 f/2.8, मतलब ये f/4 हो जाता है अगर आप फुल फ्रेम में लगा दें। तो सब मिलाने के बाद हिसाब ये बनता है कि APS-C के लेंसेज बहुत मतलब APS-C माइक्रो फोर थर्ड का लेंस का ही मेन खेला है, अगर लेंस है आपके स्टार्टिंग के टाइम में, जो कि नाइकॉन और कैनन के पास नहीं है। आप बोलोगे कैसे नहीं, उनके पास तो 300 लेंस है। नहीं है मतलब कि नेटिव, मतलब जो लेंस आप डायरेक्ट लगाएं और काम करने लगे, वो लेंस अभी सिर्फ चार पीस है दोनों के पास। हाँ आप एडाप्टर लगा सकते हैं, हाँ आप एडाप्टर से 350 कर सकते हैं, लेकिन 4 नेटिव ही रहे, मतलब नेटिव में काउंट करने जाने पे सिर्फ 4 है। तो अभी नाइकॉन और कैनन है 4+300 4+300। पैनासोनिक डायरेक्टली उतर रहे हैं, तो उसमें लेंस को ये लोग सबसे पहले ही सॉल्व कर दिए। लेंस का सबसे बड़ा झंझट है नया माउंट सिस्टम बनाओ, नया मैन्युफैक्चर करो। ये लोग लाइका से बात की, लाइका और पैनासोनिक का एक अच्छा से काफ़ी बिजनेस पार्टनरशिप चलता रहा है। तो लाइका फुल फ्रेम कैमरा बनाता है जो पागल जैसा महंगा है, और लाइका का एक अलग ही पहचान है मार्केट में। जैसे मतलब लोग कहते हैं कि मतलब सोनी का सबसे ख़राब कलर सिग्नेचर होता है, उससे बेटर होता है नाइकॉन का। नाइकॉन और कैनन का लगभग सेम है, कुछ लोग को नाइकॉन पसंद आता है, कुछ लोग को कैनन पसंद आता है, उससे ऊपर आता है फूजी से ऊपर आता है लाइका। तो मतलब समझिए लाइका हैसलब्लैड के लेवल पे है, तो लाइका एक अलग ही चीज़ है। तो लाइका के लेंसेज भी वैसे ही आते हैं, अंधेर महंगे $5,000-5,000 के आते हैं, लेकिन लेंस आते हैं, और उसके कई सारे थर्ड पार्टी लेंसेज भी अवेलेबल हैं। तो पहले से ही लेंस की ये लोग उन्होंने वो कर लिया कि भैया ठीक है, लाइका आपका लेंस माउंट हम अपने फुल फ्रेम कैमरा में यूज़ करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कौन सा माउंट है, कौन सा लेंस है। दूसरा आप बोलोगे ठीक है, उसके लाइका के लेंस इतने महंगे होते हैं, कौन खरीदेगा, सिग्मा।
सिग्मा जो है ये लोग पैनासोनिक समझ गए कि अपने से लेंस बनाना बहुत महंगा पड़ता है और मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं बना रहे, ये बनाएंगे अपना लेंस बनाएंगे, लेकिन सिग्मा जैसी कंपनी जो है जो सिर्फ लेंस बनाती है काफ़ी अलग लेवल पर पहुंच चुकी है, ये एक्सपर्ट है। अगर कैनन के लेवल का कोई लेंस बना सकता है या उससे ऊपर जा सकता है तो वो सिर्फ सिग्मा है, और सिग्मा पे सोनी भरोसा करती है, सोनी सीधे सीधे अपना लेंस माउंट खोल के दे दी इनको, तभी ये लोग ई माउंट के लिए 8 सीरीज लेंस बना सकते हैं, मतलब नेटिवली, कुछ इनको रिवर्स इंजीनियर नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं कि अच्छा इसको लगा दोगे तो ऑटो फोकस शायद नहीं काम करेगा, परफेक्टली काम करने लगेगा। तो सिग्मा के पास ये लोग गए, भैया आप लेंस बनाओ हमारे लिए। तो अभी 3 लेंस को मार्केट में उतार मतलब आइडिया दिया गया है, उसमें है एक 24-105, 70-200 और 50mm to 1.4, लेकिन आप ध्यान रखिए वो सारे लेंसेज का एपर्चर नहीं दिया गया, यानी वो भी अभी फिक्स नहीं है, तो क्योंकि मुझे लगता है कि ये f2.8 से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा होता तो सबसे बड़ा बड़ा करके दिखाते, तो यानी ये छोटा बना रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। तो समझिए ये लेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं, आते ही सॉल्व कर दे रहे हैं, ऊपर से ये भी दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से लेंसेस ये आगे रिलीज करेंगे, मतलब एकदम नाइकॉन के टाइप का रोड मैप दिखा रहे हैं। तो हो क्या रहा है ये दुनिया में, हो क्या रहा है? अभी आपको जैसे इतने लोगों ने देखा कि सोनी, नाइकॉन, कैनन, ये तीनों मिररलेस में कूद चुके हैं, अब तीनों फुल फ्रेम बना रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि माइक्रो फोर थर्ड कभी अच्छा सिस्टम था ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं था सिस्टम। मैंने जैसे पिछले हफ्ते के वीडियो में बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम साफ साफ बताया कि APS-C बेटर था माइक्रो फोर थर्ड से। अगर पैनासोनिक और ओलंपस दोनों कूद जाते कि हम एक लेंस माउंट बनाएंगे लेकिन उसमें ये सेंसर की जगह पर APS-C सेंसर यूज़ करेंगे, इनका बहुत पैसा बच जाता। और ये सब कैमरा आया बहुत महंगा था, $2000 का कैमरा कोई सस्ती बात नहीं है, मतलब 1.5 लाख के ऊपर का होता है। तो ये सब कैमरा का इतना महंगा दाम जिसमें आप फुल फ्रेम खरीद सकते हैं, जो कि आपको समझिए जिसका जिसका लो लाइट के सामने तो ये टिकेगा नहीं, जिसका शैलो बैक मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के सामने ये टिकेगा नहीं, तो इतना महंगा कैमरा, प्लस इसके लेंसेस उतने बिके नहीं जितना मतलब फुल फ्रेम का बिकता है या जितना APS-C का बिकता है, तो सब मिला के हिसाब ये बना कि ये सिस्टम बहुत महंगा था। और ये फिजिकली मैक्स आउट हो चुका है, मतलब GH5 से GH6 में बहुत ज़्यादा चीज़ ये लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, ऑटो फोकस सुधारेंगे, एक दो फीचर सुधारेंगे, मतलब वीडियो के और फीचर दे देंगे, लेकिन अब कुछ नया नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये लोग फंस गए हैं इस सिस्टम में। तो आप मेरा वो पिछला वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लोग अब मार्केट लूज़ कर रहे हैं, ये जब आए थे मार्केट में वीडियो पे कोई सीरियसली नहीं अटेम्प्ट दे रहा था, नाइकॉन तो सीधे हाथ ही धो लिया था वीडियो से कि मतलब हम ध्यान ही नहीं देंगे कि मेरा ऑन स्क्रीन ऑटो फोकस काम नहीं करता। कैनन बहुत अच्छा दे रहा था लेकिन कैनन कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहा था, मतलब क्रॉप दे रहा था 4K में। पैनासोनिक घुसा मतलब सोनी घुसा मार्केट में और सोनी सब चेंज कर दिया, सोनी फुल फ्रेम दे दिया, कैनन के लेवल का ऑटो फोकस दे दिया और अपना लेंसेज भी उतारने लगा मार्केट में। तो अब ऐसा हो गया कि सोनी पे लोग कूद रहे हैं क्योंकि सोनी के पास लेंस है जो लगभग इसके लेंस के बराबर, सोनी फुल फ्रेम है, इससे बेटर ऑटो फोकस है। तो हर चीज़ मिलाने के बाद सोनी A7 III बहुत बड़ा सुनामी ले आया, जिसका असर आप आज देख सकते हैं। मतलब कैनन और नाइकॉन पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों रेडी नहीं थे रिप्लाई करने के लिए। आप आखिरी बार कब सुन रहे थे कि नाइकॉन या कैनन फर्मवेयर रिलीज करेगा? मतलब इसलिए उनका कैमरा रेडी ही नहीं था, मतलब ये इतना बड़ा चेंज कर लिया क्योंकि इतने कम दाम में उतारे। तो ये भी समझिए लूमिक्स को बहुत रिस्क में रहना पड़ेगा अभी। तो ये लोग अपना ब्लीडिंग रोकना चाहते हैं कि मतलब लोग इसको खरीदना छोड़ देंगे, पैनासोनिक से पैसा चला जाएगा, तो उस कारण से ये लोग फुल फ्रेम में कूदना चाहते हैं कि ये डूब ना जाए। मतलब ये तो डूबेगा ही, आज नहीं तो कल डूबेगा, 5 साल में नहीं तो 10 साल में डूबेगा। और पैनासोनिक इसके लिए लेंस बनाता रहेगा, कैमरा बनाता है, लेकिन उनकी पूरी गाड़ी फुल फ्रेम की तरफ जा रही है। और अगर पैनासोनिक फुल फ्रेम में टिक गया तो ये बड़े लोगों के बीच में आ जाएगा। कैनन और नाइकॉन दोनों 100 साल पुरानी कंपनी है, मजाक नहीं है। अगर आप उनके अगेंस्ट खड़े हो पाए और टिक गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्पीट किए, टिक गए, तो एक बड़ी बात होती है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैनासोनिक फुल फ्रेम के बारे में। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।